इसको डिराइव करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है हम लोगों का वो क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको कैलकुलस के मेथड से कैसे डिराइव करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो डैट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये हम लोग पढ़े हैं कि यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव लिमिट्स, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा देखिए। डी वी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, ए डी टी। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी को, इसलिए लिमिट भी कैसा होगा, उसी नेचर का होगा। तो डी वी यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर कौन इंटीग्रेट होगा, टाइम, इसलिए टाइम लेंगे हम जीरो टाइम से लेके कितना टाइम तक, टी टाइम तक। अब देखिए डी वी का इंटीग्रेशन हो जाता है वी, इसमें लिमिट लिख देंगे इनिशियल लिमिट से लेके फाइनल लिमिट, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू ए को बाहर कर लेंगे और सिर्फ किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी टी को, तो जीरो से लेके कहाँ तक, टी तक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या होता है कि वी इज इक्वल टू, जब इतना आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं किसको, लोअर लिमिट को। तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे वी और माइनस कर देंगे किसको, लोअर लिमिट, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए। और डी टी का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, टी, और अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कितना, टी, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट पुट करना है टी, घटाना है लोअर लिमिट जीरो, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी, और माइनस यू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। डिस्टेंस टाइम रिलेशन किसको कहते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर से हम वही काम करेंगे, वी नो डैट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी नो डैट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो वी डी टी इज इक्वल टू हो गया डी एक्स, फिर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी। तो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह हम क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए dx इज इक्वल टू आ गया ये पूरा, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है ताकि पूरा वैल्यू मिले, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू देयर respective limits we get, ठीक है, क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, पोजीशन को, इसलिए dx का इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन जीरो से लेके फाइनल पोजीशन x, और यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है कौन, टाइम, इसलिए जीरो टाइम से लेके t टाइम u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए कि क्या करना है यहाँ पर कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और अपर लिमिट है इसका जीरो, अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है जीरो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार u के लिए काम करेंगे, तो u dt टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो टाइम से लेके t टाइम तक, फिर प्लस, और इस बार इंटीग्रेट करेंगे ए टी डी टी जीरो टाइम से लेके t टाइम तक, तो अपर लिमिट पुट कीजिए, घटाइए लोअर लिमिट, तो x माइनस जीरो,
यहाँ पर u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ बच गया dt, dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, फिर 0 से लेके t तक, a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और t dt। अब देखिए x माइनस जीरो क्या होगा, x और u dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट t तक, a बाहर, a कांस्टेंट है। अब ये वाला देखिए, तो ये इंटीग्रेशन के इस वाले फॉर्मूला पर सॉल्व हो जाएगा n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पर t का पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस वन बाई वन प्लस वन, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t तक। तो x इज इक्वल टू यू, अपर लिमिट पुट करना है तो t माइनस जीरो प्लस a, और ये हो गया t स्क्वायर बाई टू 0 से लेके कहाँ तक, t तक। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये हो गया हाफ a, और अपर लिमिट पुट करेंगे घटाएंगे लोअर लिमिट से, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है, इसलिए हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे s से, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। जो टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है, अब जो हम लोग डिराइव करेंगे वो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब देखिए कि फिर से हम वही चीज़ लिखे हैं कि वी नो डैट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब लेकिन एक चीज़ देखें कि इस इक्वेशन में तो कहीं टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ टाइम है, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम के लिए कुछ काम करेंगे ताकि ये इस इक्वेशन से हट जाए। तो हम क्या करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि डी वी बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन इस साइड डी एक्स से इंटू और डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे इक्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा काम निकल गया। क्या काम निकल गया, तो देखिए डी वी बाई और डी एक्स को इसके नीचे लिख देते हैं, और डी एक्स के नीचे क्या लिख देते हैं, डी टी लिख देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि डी वी बाई डी एक्स रह गया, लेकिन डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, इसलिए इसके जगह क्या पुट कर दिए, वी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इधर आकर हो जाएगा ए डी एक्स, और इधर हो जाएगा वी डी वी। ठीक है, इतना बात समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, नहीं। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा देखिए, तो ए डी एक्स, और जैसा बताए हैं कि जिसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसके लिए वैसा ही नेचर का लिमिट होगा, तो जीरो पोजीशन से लेके एक्स पोजीशन तक, और इधर है वी डी वी, तो इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक। तो ए कांस्टेंट है, ए का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होगा, ए को बाहर कर दिए, और ये हो गया डी एक्स जीरो से लेके एक्स तक, और ये देखिए फिर से किस वाले फॉर्मूला पर आ गया, तो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये उसी फॉर्मूला पर आ गया है, और यहाँ इसका एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा वी टू दी पावर 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन, और लिमिट लिख देंगे u से लेके कहाँ तक, वी तक। अब देखिए ए डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x 0 टाइम से लेके 0 पोजीशन से लेके x पोजीशन तक, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू कहाँ से कहाँ तक, u से लेके वी तक। अब इसके बाद a, उसके बाद देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे x, घटाएंगे लोअर लिमिट 0, और ये हो गया आपका अपर लिमिट 1 बाई टू बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए एक्स इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो x जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखा रहा है, तो हम लोग सिंबल उसका s भी लेते हैं, तो x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, s से, और 2 इधर आ जाएगा तो 2as, और माइनस यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं। तो ये भी डिराइव हो गया।